इस कार्यक्रम में दिखाए गए सभी तथ्य ऐतिहासिक किताबों, विशेषज्ञों और जानकारों से लिए गए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जी न्यूज प्रस्तुत करता है टाइम मशीन, 75 वर्ष के युवा भारत की अनकही अनसुनी दास्तां, अदिति त्यागी के साथ। नमस्कार, जी न्यूज स्पेशल टाइम मशीन में आपका स्वागत है और मैं हूँ अदिति त्यागी। आज टाइम मशीन आपको लेकर चलेगी वर्ष 1984 में, यानी वो साल जब देश में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। ये वही साल था जब दिन दहाड़े इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। 1984 ही वो साल था जब इंदिरा गांधी की हत्या के तुरंत बाद देश में सिख विरोधी दंगे हुए थे और इन दंगों में हजारों लोगों की जान गई थी। इसी साल इन्हीं दंगों के बीच सिखों के लिए फरिश्ता बनकर आए थे अटल बिहारी वाजपेयी। ये वही साल था जब पहली बार किसी भारतीय ने अंतरिक्ष में कदम रखा था। इसी साल भोपाल में गैस त्रासदी हुई जिसने पूरी दुनिया में दहशत पैदा कर दी और इसी साल रिलीज हुई थी देश की पहली 3D फिल्म। तो चलिए टाइम मशीन की सुई को घुमाकर आपको लेकर चलते हैं वर्ष 1984 में और दिखाते हैं आपको उस साल की 10 बड़ी कहानियां। अक्टूबर 1984, ये वो तारीख है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। ये वही दिन था जब देश ने अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री और पहली महिला ताकतवर नेता इंदिरा गांधी को खो दिया। फौलादी इरादे और अपने फैसले पर अडिग रहने वाली इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 में हत्या कर दी गई। और इस हत्या को अंजाम उन्हीं के अंग रक्षकों ने दिया था। इंदिरा के लिए हत्या वाला दिन आम दिन की तरह ही था। उनकी मीटिंग्स और उनका बाकी काम जारी था। इंदिरा को अपनी मौत का अंदाजा शायद पहले ही हो गया था। अपनी मौत से एक दिन पहले उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में दोपहर में वो एक चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी। यहाँ भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ ना रहूं। मेरा जीवन लंबा रहा और मुझे गर्व है कि मैंने मेरा जीवन देशवासियों की सेवा में बिताया। जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। इंदिरा द्वारा कही गई ये लाइनें ऐसे लग रही थीं जैसे वो खुद कह रही हैं कि ये उनका आखिरी भाषण है। जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या की गई उस दिन इंदिरा सुबह अपना नाश्ता करके निकली ही थी कि अचानक वहां तैनात उन्हीं के सुरक्षा कर्मी बेन सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर इंदिरा गांधी पर फायर किया। इंदिरा ने चेहरा बचाने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया, लेकिन तभी बेन ने बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से दो और फायर किए। ये गोलियां उनके बगल, सीने और कमर में लगी। इसी बीच इंदिरा के दूसरे सुरक्षा कर्मी सतवंत सिंह ने भी 25 गोलियां इंदिरा के शरीर में दाग दी। अचानक वहां अफरा तफरी मच गई। इंदिरा इस दौरान गोलियों से छलनी हो चुकी थी और उनका शरीर का हर हिस्सा उस वक्त खून से लथपथ था। इंदिरा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और गोली मारे जाने के लगभग 4 घंटे के बाद इंदिरा गांधी को मृत घोषित कर दिया गया। साल 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों को शायद इतनी जल्दी नहीं भुलाया जा सकता है। 1 नवंबर 1984 में दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में सिख विरोधी दंगे हुए, जिनमें ना जाने कितने घर, कितने परिवार बर्बाद हुए और ना जाने कितने लोग अनाथ हुए। लेकिन ये दंगे हुए तो आखिर हुए क्यों? दरअसल कहा जाता है कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ये दंगे भड़के क्योंकि उनकी हत्या करने वाले सिख ही थे। इसके बाद लोग सिखों के खिलाफ भड़क गए थे। वैसे ये तो कुछ भी नहीं है, कहा तो ये भी जाता है कि इंदिरा गांधी ने 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भारतीय सेना को स्वर्ण मंदिर पर कब्जा करने का आदेश दिया था। इस दौरान मंदिर में घुसे सभी विद्रोहियों को मार दिया गया था, जो कि ज्यादातर सिख ही थे।
इन सभी हथियारों से लैस विद्रोहियों ने स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया था और ये खालिस्तान नाम से अलग देश की मांग कर रहे थे। इसी दौरान ऑपरेशन ब्लू स्टार आया था। वहीं इसके बाद दिल्ली में दंगों की आग धधक उठी। दंगे में मारे गए लोगों में सबसे ज्यादा लोग दिल्ली के ही थे। गुरुद्वारों, दुकानों, घरों को लूट लिया गया और उसके बाद उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। दंगे में कितने लोगों की मौत हुई इस पर तो अलग अलग रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं, लेकिन माना जाता है कि सिर्फ दिल्ली में ही करीब 2146 लोग मारे गए थे। साल 1984 इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज है। ये वही साल था जब देश जल रहा था। हर तरफ त्राही त्राही मची हुई थी। सिख विरोधी दंगों में ना जाने कितने लोग झुलसे, लेकिन इसी साल इन्हीं दंगों के बीच सिखों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी एक फरिश्ता बनकर सामने आए थे। दरअसल 1 नवंबर 1984 को अपने आवास 6 रायसेना रोड पर लगभग सुबह 10 बजे वाजपेयी ने अपने बंगले के गेट से बाहर का भयावह मंजर देखा। अटल बिहारी ने देखा कि उनके घर के सामने टैक्सी स्टैंड पर काम करने वाले सिख ड्राइवरों पर हल्ला बोलने के लिए गुंडे मवालियों की भीड़ जमा थी। इसके बाद वो बंगले से अकेले ही निकलकर टैक्सी स्टैंड पर पहुंच गए। जैसे ही वो वहां पहुंचे तो हत्याएं करने के इरादे से आई भीड़ भाग खड़ी हुई, क्योंकि भीड़ ने अटल बिहारी को पहचान लिया था। फिर वाजपेयी ने सभी को खूब सुनाया। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के गार्ड ने पुलिस को सूचित किया और बुलाया। साल 1984 में भोपाल में कुछ ऐसा हुआ कि जिससे पूरा देश ही नहीं दुनिया दहल उठी थी। और दिल दहलाने वाला हादसा हुआ था भोपाल में। इस त्रासदी को आज भी याद किया जाए तो रूह कांप उठती है। 1984 को घटी यह घटना इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से दर्ज है। उस साल 2 दिसंबर की रात को मौत की गैस का एक ऐसा रिसाव हुआ कि हर तरफ तांडव मच गया। घटना भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी में हुई। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के पेस्टिसाइड प्लांट में 2 दिसंबर को आधी रात में मिथाइल आइसोनेट यानी MIC गैस लीक होने लगी। धीरे धीरे ये गैस पूरे कारखाने में फैल गई। जो गैस लीक हुई उसका इस्तेमाल कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। गैस ने धीरे धीरे अपने आसपास के इलाके को अपनी जद में ले लिया। आसपास की बस्तियों में रहने वाले लोगों को घुटन, खांसी, आंखों में जलन और उल्टियां होने लगी। उधर पुलिस को सतर्क किया गया और देखते ही देखते भोपाल शहर में भगदड़ मच गई। लेकिन कारखाने के मालिकों ने ये कह दिया कि कोई गैस लीक नहीं हुई है। पुलिस की गाड़ियां क्षेत्र में लाउडस्पीकर से चेतावनी देने लगी। शहर की सड़कों पर हजारों गैस प्रभावित लोग या तो दम तोड़ते जा रहे थे या जान बचाने के लिए बदहवास होकर इधर उधर भाग रहे थे। अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें लग गईं। अगर आंकड़ों की माने तो इस त्रासदी में करीब 5 लाख से ज्यादा लोगों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 3,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। हालांकि बाद में मौत के आंकड़े 2,259 बताए गए थे। अमिताभ बच्चन, जहां खड़े हो जाएं, लाइन वहीं से शुरू होती है। कई बार आपने अमिताभ बच्चन के इस डायलॉग को सुना होगा। भारतीय सिनेमा में स्टारडम के 7वें शिखर पर महानायक अमिताभ बच्चन रहे हैं। लेकिन अमिताभ महज एक अभिनेता नहीं बल्कि राजनेता भी रहे हैं। साल 1984 में इलाहाबाद सीट से अमिताभ बच्चन चुनावी मैदान में उतरे थे। उस वक्त कांग्रेस ने आम चुनावों में अमिताभ बच्चन को हुक्म के इक्के के तौर पर नामांकन के एक दिन पहले ही चुनावी मैदान में उतार दिया। और ये सब राजीव गांधी ने किया, क्योंकि राजीव गांधी अमिताभ के बेहद करीबी दोस्त थे। नामांकन के बाद अमिताभ चुनाव प्रचार करने सड़क पर आ गए और अपने रोड शो के लिए पहुंचे, लेकिन रोड शो की शुरुआत 4 घंटे देरी से हुई। उस वक्त तक अमिताभ सुपरस्टार बन चुके थे। एंग्री मैन बिग बी के लिए दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती थी।
और आखिरकार अमिताभ ने अंतिम दिन अपना नामांकन दाखिल करने के साथ ही चुनाव में भारी मतों से जीत दर्ज की थी और हेमवती नंदन बहुगुणा को हराया। ये तो कुछ भी नहीं है, उस वक्त अमिताभ के लिए फीमेल फैंस में भी जमकर क्रेज था। बताया जाता है कि अमिताभ की फैंस महिला वोटर्स ने बैलेट पेपर पर मुहर की जगह लिपस्टिक का ठप्पा लगाया। भले ही ये बिग बी फीमेल फैन वोटर्स का प्यार था, लेकिन अफसोस इसकी वजह से करीब 4000 महिलाओं के वोट कैंसिल करने पड़े थे। सबको लगा कि अमिताभ हार जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ और अमिताभ भारी मतों से ये चुनाव जीते। साल 1984 वे साल था जब भारत ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। ये वही साल था जब पहली बार किसी भारतीय ने अंतरिक्ष में कदम रखा था। हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा की। साल 1982 में उनका चयन अंतरिक्ष में जाने के लिए किया गया था। इसरो और सोवियत एजेंसी के ज्वाइंट स्पेस प्रोजेक्ट में राकेश शर्मा को भारत की ओर से चुना गया था। 2 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा ने T-Soyuz 11 मिशन के तहत कजाकिस्तान से उड़ान भरी थी। मिशन में राकेश शर्मा के साथ सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री भी शामिल थे। अंतरिक्ष में राकेश शर्मा का काम बायोमेडिसिन और रिमोट सेंसिंग से जुड़ा हुआ था। अंतरिक्ष में राकेश शर्मा ने 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट बिताए थे। अंतरिक्ष से लौटने के बाद रूस ने राकेश शर्मा को हीरो ऑफ सोवियत यूनियन से नवाजा। भारत में राकेश शर्मा को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। मेट्रो मतलब देश की आम जनता का अहम हिस्सा, या यूं कहें कि महानगरों में रहने वाले लोगों की ट्रैवल पार्टनर है मेट्रो। लेकिन क्या आपको पता है कि देश में पहली बार मेट्रो की शुरुआत कहां और कैसे हुई थी? देश में पहली बार मेट्रो का आगाज साल 1984 में हुआ था और देश की पहली मेट्रो कोलकाता में चली थी। इसे बनाने को लेकर विचार की शुरुआत ब्रिटिश इंडिया से ही हो चुकी थी, लेकिन इसके निर्माण कार्य में साल दर साल देरी होती रही और आखिरकार कोलकाता मेट्रो की शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को हुई थी। शुरुआत में इसे केवल 3.4 किलोमीटर के हिस्से में शुरू किया गया था। 1969 में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया था। इसके बाद 1971 में मेट्रो का मास्टर प्लान तैयार किया गया और फिर आखिरकार इसकी शुरुआत 1984 में हो पाई। आज देश के कई छोटे बड़े शहरों में मेट्रो सुविधा मौजूद है, जिससे लोगों का यात्रा करना अब आसान सा हो गया है। अगर आपसे कहा जाए कि आपके लिए एक सेकंड क्या मायने रखता है, तो शायद आप कहेंगे कि पलक झपकने के बराबर ही ये होता है और शायद आपको एक सेकंड से इतना फर्क ना पड़े। लेकिन 1984 में ये एक सेकंड पीटी उषा पर बेहद भारी पड़ा था। दरअसल 1984 में लॉस एंजलिस गेम्स में पीटी उषा ने हिस्सा लिया था। पीटी उषा 400 मीटर में हिस्सा ले रही थी और वो भी कुछ सेकंड की बदौलत टॉप 3 में अपनी रेस को खत्म नहीं कर पाई। रेस के बाद पीटी उषा को पता लगा रोम की क्रिस्टियाना को जोकारू ने उन्हें 0.01 सेकंड से मात देते हुए ब्रोंज मेडल हासिल किया और इस रेस में पीटी उषा हार गईं। चौरासी में एक तरफ जहां देश में कई घटनाएं हुई, तो वहीं दूसरी ओर ये साल मनोरंजन के जगत के लिहाज से भी बेहद खास रहा, क्योंकि इसी साल देश का पहला धारावाहिक यानी टीवी पर पहला सीरियल टेलीकास्ट किया गया। उस दौर में ना तो महंगे कॉस्ट्यूम्स, ना कोई वैनिटी वैन और ना ही ज्यादा काम को लेकर एक्सपेरिमेंट। खुद के कपड़े पहनना, एक ही शॉट में सीन देना और इस सब के लिए बेहद कम पैसे मिलना, बस यही हुआ करता था तब। 1984 में देश का पहला सीरियल हम लोग आया। टीवी पर हम लोग की शुरुआत मानो मनोरंजन जगत का एक बड़ा कदम, जिसके जरिए घर घर तक एक कहानी को पहुंचाया जा सके।
7 जुलाई 1984 को देश का पहला धारावाहिक हम लोग दूरदर्शन पर शुरू हुआ। इस शो में मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार की कठिनाइयों, परिश्रम, इच्छाओं और सपनों की कहानी को दिखाया गया। ये देश का पहला टीवी सीरियल था जिसे संपूर्ण भारत में एक साथ टेलीकास्ट किया गया था। ये शो कुछ ही वक्त में बेहद पॉपुलर हो गया। इस धारावाहिक को देखने के लिए कई छोटे टीवी के सेट्स खरीदे गए और टीवी पर यह धारावाहिक करीब 17 महीने तक चला। इस शो का आखिरी एपिसोड 17 दिसंबर 1985 को प्रसारित हुआ था। भले ही आज जब आप किसी फिल्म को देखने जाते हैं तो आप 3D, 4D जैसी फिल्में देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में पहली बार 3D फिल्म कब आई थी? साल 1984 ही वो साल था जब पहली बार देश में 3D फिल्म रिलीज की गई थी। देश में पहली 3D फिल्म मलयालम में बनी और फिल्म का नाम था माय डियर कुट्टी चातन। ये फिल्म 24 अगस्त 1984 में रिलीज हुई थी और फिल्म की कहानी काल्पनिक थी। फिल्म को जीजो पोनोनोस ने डायरेक्ट किया था, तो वहीं फिल्म को नवोदय स्टूडियो के बैनर तले बनाया गया था। बताया जाता है कि फिल्म को बनाने में उस वक्त करीब 25 करोड़ रुपए लगे थे। इतना ही नहीं, फिल्म के चाइल्ड एक्टर को बेस्ट चाइल्ड एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला। इसके बाद साल 1997 में हिंदी में इसी मलयाली फिल्म को छोटा चेतन के नाम से रिलीज किया गया। टाइम मशीन में आज आपने सफर किया 1984 का और आपने देखा कि कैसे एक मिली सेकंड से हार गई थी पीटी उषा और बॉलीवुड से निकलकर चुनावी मैदान में कैसे उतरे थे अमिताभ बच्चन। तो आज के लिए बस इतना ही। कल टाइम मशीन में आपको लेकर चलेंगे वर्ष 1985 में। तब तक के लिए नमस्कार, स्टे सेफ। अमृत महोत्सव के प्रारंभ होने राष्ट्रपति कदम कदम मिला।